हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगेड़ और आज के इस वीडियो में बेटा हम जेंडर के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इस वीडियो में आपको जेंडर की मीनिंग, जेंडर कितने टाइप्स के हुआ करते हैं, इसी के साथ में जेंडर के जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स है वो भी देखेंगे। यदि हम बात करें रूल्स की तो बेटा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जितने भी रूल्स और जितने भी एरर्स वगैरह पूछे जाते हैं जेंडर से रिलेटेड, उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम बात करें कि वास्तव में जो जेंडर होता है ना, वो आखिरकार होता क्या है, मतलब जेंडर किसे कहा जाता है, तो बेटा जेंडर एक्चुअल में संज्ञा का वो रूप होता है जिससे कि हमें पता चलता है कि कोई भी नाउन स्त्री है, पुरुष है या फिर दोनों है। दोनों का मतलब यहाँ पे है स्त्री और पुरुष दोनों से। इसी के साथ में क्या संज्ञा निर्जीव वस्तु है, तो इन सभी के बारे में संज्ञा का वो रूप जो जानकारी हमें देता है उस रूप को हम जेंडर कहा करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपके लिए चार एग्जाम्पल दिए हैं, मैन, वुमेन, टीचर, टेबल। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो चारों जो वर्ड है ना बेटा, वो क्या है, संज्ञा है, मतलब ये नाउन है। अब ये जो मैन वाला नाउन है ये कह रहा है कि भाई ये क्या है, पुरुष है। वुमेन जो एक नाउन है ये कहता है कि भाई ये जो शब्द है वो स्त्री को संबोधित कर रहा है। इसी तरह से यदि हम टीचर की बात करें तो बेटा टीचर में चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को ही टीचर कहा जाता है। अगर हम बात करें टेबल की, तो टेबल क्या है बेटा, एक निर्जीव चीज है, तो इसलिए ये भी एक जेंडर को शो करता है। यदि हम बात करें कि इंग्लिश लैंग्वेज में जेंडर के कितने टाइप्स हुआ करते हैं, तो बेटा इंग्लिश में जेंडर के 4 टाइप्स हुआ करते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। अब आगे के स्लाइड में बेटा हम इन चारों प्रकार के जो टाइप्स है ना जेंडर के, इनको बड़ी डिटेल से देखने वाले हैं। यदि हम बात करें कि मैस्कुलिन जेंडर किसे कहा जाता है, तो संज्ञा का वो रूप जिससे पता चले कि संज्ञा कोई पुरुष है, तो उस संज्ञा के रूप को हम पुल्लिंग कहा करते हैं, मतलब मैस्कुलिन जेंडर कहा करते हैं। यहाँ पर किंग, ड्रैग, स्टैग, डेरीमैन और ड्रोन, ये मैंने 5 एग्जाम्पल नाउन के ही लिए हैं। लेकिन ये नाउन किस प्रकार के नाउन है या किस तरह के जेंडर के नाउन है, ये बेटा मैस्कुलिन जेंडर के सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम बात करें फेमिनिन जेंडर किसे कहते हैं, तो फेमिनिन जेंडर भी संज्ञा का वो रूप होता है जिससे हमें पता चलता है कि संज्ञा कोई स्त्री है, तो उसे हम फेमिनिन जेंडर या स्त्रीलिंग कहा करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के रूप में क्वीन, डक, हिंट, डेरीमैट, बी, इन 5 एग्जाम्पल्स को लिया है। तो बेटा देखिए, ये जो 5वां एग्जाम्पल है ना, ये सारे के सारे नाउन है, लेकिन किस तरह के नाउन, जेंडर वाले, और वो भी कौन से जेंडर वाले, फेमिनिन जेंडर वाले नाउन है। यदि हम बात करें कॉमन जेंडर किसे कहते हैं, तो संज्ञा का वो रूप जिससे हमें पता चलता है कि संज्ञा स्त्री और पुरुष दोनों है, तो ऐसे संज्ञा के रूप को हम कॉमन जेंडर कहा करते हैं। जैसे टीचर, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, फायर फाइटर, तो ये सभी जो एग्जाम्पल है वो कॉमन जेंडर के हैं। यदि हम बात करें टीचर की, तो यदि कोई पुरुष पढ़ाने का काम करता है तो उसे भी हम टीचर कहा करते हैं। इसी के साथ में यदि कोई स्त्री भी बच्चों को पढ़ाने का काम करती है तो उसे भी टीचर ही कहा जाएगा। इसी तरह से यदि हम इंजीनियर की बात करें, तो सड़क, पुल, इन चीजों का निर्माण करने वाले पुरुष को इंजीनियर कहा जाता है। लेकिन मान लीजिए यही काम यदि कोई स्त्री भी कर रही हो, तो उसे भी हम इंजीनियर ही कहा करते हैं। इसी के साथ में यदि हम न्यूट्रल जेंडर के बारे में जाने, तो संज्ञा का वो रूप जिससे हमें पता चलता है कि संज्ञा कोई निर्जीव वस्तु है, मतलब नॉन लिविंग थिंग है, तो उसे हम नपुंसकलिंग कहा करते हैं। जैसे टेबल, लैपटॉप, फैन और ट्री। मैं आपको फिर कह रहा हूँ बेटा, ये सभी के सभी क्या है, नाउन है, लेकिन ये नाउन किस रूप में है, जेंडर वाले रूप में है, और ये किस तरह के जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर, क्योंकि ये सभी के सभी क्या है बेटा, निर्जीव चीजें हैं। जेंडर के सभी टाइप्स को जानने के बाद में इस टॉपिक में, मतलब जेंडर वाला जो चैप्टर है ना, इसमें एक समस्या आती है, और वो समस्या ये है बेटा कि फेमिनिन जेंडर आखिरकार बनाए कैसे। तो जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में नंबर के बारे में डिस्कस किया था कि प्लूरल नंबर कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए हमने कुछ नियम बनाए थे, तो ठीक इसी तरह से फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए भी हम कुछ रूल्स को देखेंगे। तो चलिए बेटा आगे की स्लाइड्स में हम फेमिनिन जेंडर कैसे बनाएं, इससे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो देखने वाले हैं।
यदि हम रूल नंबर फर्स्ट की बात करें तो कुछ ऐसे नाउन है बेटा इंग्लिश लैंग्वेज में जिनके लास्ट में यदि आप ई डबल एस जोड़ दोगे ना तो वो क्या बन जाते हैं, फेमिनिन जेंडर बन जाते हैं। जैसे लॉइन, तो लॉइन के लास्ट में लॉइनेस जोड़ दिया तो ये क्या हो गया बेटा, तो ये हो गया इसका फेमिनिन जेंडर। ऐसे पॉइट, पॉइटेस, ऑथर, ऑथरेस, एयर, एयरेस। बेटा ये हेयर नहीं है, ये क्या है, एयर। तो एयर का फेमिनिन जेंडर होगा एयरेस। जाइंट, जाइंटेस, प्रॉफेट, प्रोफेटेस, प्रीस्ट, प्रिस्टेस, पैट्रन, पैट्रनेस, मेयर, मेयरेस, गेस्ट, गेस्टेस, होस्ट, होस्टेस, ज्यू, ज्यूस, मैनेजर, मैनेजरेस, स्टेफर्ड, स्टेफर्डेस, स्टेवर्ड, स्टेवर्डेस, मर्डरर, मर्डररेस। इसी के साथ में आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो प्रिंस और जो गॉड है ना, ये इस नियम के एक्सेप्शन है। प्रिंस में लास्ट में ई पहले आ चुका है, इसलिए हमें यहाँ पर ई डबल एस जोड़ने की बजाय आपको यहाँ पे डबल एस जोड़ना होगा। इसी के साथ में गोड की बात करें तो गोड में क्या होता है, जो डी है ना उसको डबल करके फिर ई डबल एस जोड़ा जाता है। अगर हम बात करें रूल नंबर सेकंड की, तो रूल नंबर सेकंड हमें ये कहता है कि कुछ ऐसे भी नाउन है बेटा जिनके लास्ट वाले वोवल को हटा देंगे ना और उसके बाद में यदि ई डबल एस जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार के जो नाउन्स होते हैं उनका फेमिनिन जेंडर बन जाता है। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर आपको लास्ट वाले वोवल को हटाने के लिए कहा है, लास्ट वाले लेटर को हटाने के लिए नहीं कहा है। जैसे यहाँ पर है एनचेंटर, तो एनचेंटर में लास्ट वोवल क्या है, ई, तो यहाँ पर इसका फेमिनिन जेंडर होगा एनचेंट्रेस। कंडक्टर, कंडक्ट्रेस, बेनिफेक्टर, बेनिफेक्ट्रेस, टाइगर, टाइग्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस, फाउंडर, फाउंड्रेस, वेटर, वेट्रेस, ट्रेटर, ट्रेट्रेस, सेमेस्टर, सेमेस्ट्रेस, हंटर, हंट्रेस, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्ट्रेस, प्रिसेप्टर, प्रिसेप्ट्रेस, सॉन्गस्टर, सॉन्गस्ट्रेस। इसी तरह से यदि हम यहाँ पर इन दो शब्दों को देखें तो यहाँ पर है सोर्सरर। तो बेटा सोर्सरर जो शब्द है ना, इसमें आपको क्या करना होगा, लास्ट वाले वोवल को हटाने के साथ साथ में इसके लास्ट लेटर को भी हटाना पड़ता है। इसी तरह से एम्परर में भी ओ लास्ट वोवल है, इसको तो हटाएंगे, लेकिन इसी के साथ में आर को भी हटाना होगा। अगर हम रूल नंबर थर्ड की बात करें तो बेटा इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ गिने चुने शब्द ऐसे भी हैं जिनके लास्ट में यदि हम आईएक्स जोड़ दें, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको लास्ट वोवल भी हटाना होगा, तो इस तरह से हमें फेमिनिन जेंडर प्राप्त हो जाता है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूट्रिक्स, टेस्टेटर, टेस्टेट्रिक्स, प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूट्रिक्स। यदि हम रूल नंबर फोर की बात करें तो यहाँ पे है कि बेटा कुछ ऐसे नाउन भी हुआ करते हैं जिनका फेमिनिन जेंडर बनाने का वैसे तो कोई नियम नहीं है, लेकिन आपको क्या करना होगा, इन्हें कंटस्ट याद करना होगा। और जितने भी इस रूल में आने वाले एग्जाम्पल है, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्जाम्पल्स इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो चलिए बेटा सभी को वन बाई वन करके देखते हैं। और हाँ, इस रूल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक पार्ट होगा इजी वर्ड वाला और दूसरा पार्ट जो है उसमें हार्ड वर्ड आपके सामने आएंगे जिनका कि आपने फेमिनिन जेंडर पहले कभी नहीं देखा होगा, या आप में से कुछ ने देखा होगा तो कुछ ने नहीं देखा होगा। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। किंग, क्वीन, डॉग, बिच, कॉक, हैन, सर, मैडम, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, मैन, वुमेन, हस्बैंड, वाइफ, नेफ्यू, नीस। इसी तरह से फॉक्स, विक्सन। बेटा ध्यान रखिएगा, आप में से 99% जो स्टूडेंट है ना वो अभी भी फॉक्स का मतलब लोमड़ी ही समझते हैं, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। फॉक्स मतलब होता है लोमड़ा। लोमड़ी को हम इंग्लिश में कहा करते हैं विक्सन। इसी तरह से हॉर्स, मेयर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, स्टेप फादर, स्टेप मदर, पीकॉक, पीहेन, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेल, फीमेल। अब यदि हम हार्ड वाले जेंडर की बात करें तो उसमें है बैचलर, स्पिंस्टर, ट्यूटर, गवर्नेस, सेल्समैन, सेल्स गर्ल, बोटमैन, बोट वुमेन, टॉम कैट, टैबी कैट, बिली गोट, नैनी गोट, स्पोक्समैन, स्पोक्स पर्सन। ध्यान रखिएगा, यदि कोई पुरुष प्रवक्ता है तो उसे हम स्पोक्स मैन बोलेंगे, लेकिन महिला प्रवक्ता होने पर स्पोक्स पर्सन बोला जाएगा। ऐसे चेयरमैन, चेयरपर्सन, चेयरपर्सन का मतलब होता है महिला सभापति। वॉटरी, वॉटरेस, डेरीमैन, डेरीमैट,
वाइसरॉय, वाइसराइन, मरमैन, मरमेड, स्कूल मास्टर, स्कूल मिस्ट्रेस, मिस्टर, मिसेज। ठीक इसी तरह से स्वैन, निम्फ, फ्रियर और मॉन्क, इन दोनों का फेमिनिन जेंडर होता है नन। हार्ट, रो, बक, डो, बुलक, हीफर, ऑक्स, काउ, ड्रोन, बी, एबट, एबेस, जैकास, जेनियास, मैन सर्वेंट, मैड सर्वेंट, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, मिल्कमैन, मिल्कमैड, जार, जरीना। बेटा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सी जो है वो साइलेंट रहता है। सुल्तान, सुल्ताना, मार्किस, मार्कनिस, ड्यूक, डचेस, मास्टर, मिस्ट्रेस, मास्टर, मिस। ध्यान रखिएगा, मास्टर का मतलब यदि स्वामी या शिक्षक है तो उसका स्त्रीलिंग होगा मिस्ट्रेस, लेकिन मास्टर का मतलब लड़का होने पर उसका स्त्रीलिंग होगा मिस। रैम, यू, बेटा ध्यान रखिएगा ई डब्ल्यू ई को एव नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं यू। स्टैग, हिंड, विजार्ड, विच, लवर, बिलव्ड, यदि कोई प्रेमी है तो उसे हम बोलेंगे लवर, लेकिन प्रेमिका होने पर उसे बोलेंगे बिलव्ड। लैड, लैस, जेंटलमैन, लेडी, ब्राइडग्रूम, ब्राइड, विडोवर, विडो, बोर, सो, बुल, बफेलो। यदि हम रूल नंबर 5 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है जो भी आपको अपनी स्क्रीन पर जितने भी नाउन दिख रहे हैं ना, इनका प्रयोग हम हमेशा स्त्रीलिंग मतलब फेमिनिन जेंडर के रूप में करते हैं, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग हम इनकी सुंदरता और कोमलता और सज्जनता की वजह से ही इनका प्रयोग स्त्रीलिंग रूप में किया जाता है। क्योंकि बेटा देखो, द मून देखने में बहुत ही अच्छा सुहावना लगता है, बड़ा कोमल लगता है। इसी तरह से ट्रुथ, जस्टिस, फेम, द अर्थ, स्प्रिंग, और स्प्रिंग देखो कितनी अच्छी और कितनी सुंदर ऋतु का नाम है। ऐसे चैरिटी, होप, मर्सी, पीस, रिवर, लिबर्टी, नेचर, तो ये नाम जो है ना, मर्सी, पीस, रिवर, लिबर्टी, नेचर, ये तो क्या है, सुनने में और देखने में स्त्रीलिंग लग रहे हैं। इसी तरह से शिप एंड प्राइड। अगर हम रूल नंबर 6 की बात करें तो जो भी आपको नाउन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इन सभी का प्रयोग हम इनकी दृढ़ता मतलब स्ट्रिक्टनेस और इनकी पावर की वजह से इनको हमेशा हम मैस्कुलिन जेंडर में ही प्रयोग किया करते हैं। जैसे वाइन, वॉर, ओशियन, थंडर, समर, विंटर, डेथ, टाइम, द सन, लव। तो बेटा देखो, वाइन और वॉर है ना, ये हर घर को बर्बाद कर देते हैं। डेथ बड़ी ही स्ट्रिक्ट होती है, ये जिसको आनी होती है उसके लिए तो जरूर आ ही जाती है। इसी तरह से जो टाइम है वो किसी का भी वेट नहीं करता, मतलब ये अपने आप में स्ट्रिक्ट होते हैं, दृढ़ होते हैं, कठोर हुआ करते हैं, और इसीलिए इनका प्रयोग हम हमेशा पुल्लिंग रूप में किया करते हैं। अगर हम रूल नंबर 7 की बात करें तो रूल नंबर 7 हमें ये कहता है कि छोटे जानवर को हमेशा हम न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में शामिल करते हैं, इसलिए इनके लिए आवश्यकता अनुसार हम इट, इट्स या इटसेल्फ का प्रयोग किया करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है ही इज अ स्नैक, तो बेटा जो यहाँ पे स्नैक है ना वो छोटे जीवों की कैटेगरी में शामिल किया गया है, इसलिए बेटा हम क्या करेंगे, स्नैक के लिए इट का प्रयोग करेंगे न कि ही का। इसी तरह से सेकंड है द माउस इज रबिंग हर टेल, तो देखो जैसे यहाँ पर माउस है तो ये माउस चूहा छोटे जानवर की कैटेगरी में आता है, और इसलिए यहाँ पर हर का प्रयोग न करके हम किसका प्रयोग करेंगे, इट्स का। यदि हम बात करें रूल नंबर 8 की तो रूल नंबर 8 हमें ये कहता है कि जो कलेक्टिव नाउन हुआ करते हैं ना उनको भी हम न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में शामिल करते हैं, और इनके लिए भी हम इट, इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग किया करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है द कमेटी हैज डिपॉजिटेड हिज रिपोर्ट्स, तो बेटा यहाँ पर देखिए कमेटी एक कलेक्टिव नाउन है, उसके लिए मैंने यहाँ पर हिज का प्रयोग किया है जो कि मैस्कुलिन जेंडर वाले नाउन के लिए किया जाता है, लेकिन कमेटी को हम क्या मानते हैं, नपुंसकलिंग मतलब न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में शामिल करते हैं, इसलिए कमेटी के लिए यहाँ पर इट्स का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है द टीम डिसाइडेड दैट शी विल विन द मैच, टीम ने निश्चय किया कि वो अब मैच जीत जाएगी, तो शी का प्रयोग टीम के लिए हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पर आएगा इट। यदि हम रूल नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पे है बेबी, चाइल्ड
और इन्फेंट, यदि ये तीन शब्दों में से या फिर इन तीन नाउन में से कोई भी नाउन किसी सेंटेंस में आता है और इनसे यदि इनके सेक्स का पता नहीं चलता है कि भाई ये कौन से जेंडर वाले हैं, तो आप इनके लिए इट, इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखेंगे, यदि इनका जेंडर स्पेसिफाइड है, मतलब इनके जेंडर के बारे में हमें पता चल चुका है कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो उसके लिए आवश्यकता अनुसार आप ही या शी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में द चाइल्ड इज ईटिंग हर ब्रेकफास्ट, बच्चा जो है वो अपना ब्रेकफास्ट खा रहा है, तो यहाँ पर पता नहीं चल रहा ना कि जो चाइल्ड है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो यहाँ पर हम हर की जगह इट का प्रयोग करेंगे। लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल में द इन्फेंट इज ए गर्ल, वो जो शिशु है वो एक लड़की है, यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बता दिया है, इसलिए यहाँ पर शी इज प्लेइंग इन हर क्रेडल, वो अपने पालने में खेल रही है। तो यहाँ पर बेटा इन्फेंट के लिए मैंने यहाँ पे शी का प्रयोग किया है, क्योंकि यहां पर जो इन्फेंट है वो एक गर्ल है। इसी तरह से यदि हम रूल नंबर 10 की बात करें, तो आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ जानवर या पशुओं के नाम दिख रहे होंगे, तो इनके जो स्त्रीलिंग नेम है वो आप इनको कंटेस्ट याद करें, तो मैं यहां पर बोल के बता देता हूं, ड्रोन एंट, क्वीन एंट, बुल कैमिल, काउ कैमिल, ब्लैक बैक चिंपेंजी, एम्प्रेस चिंपेंजी, बुल क्रोकोडाइल, काउ क्रोकोडाइल, ड्रैक डक, हैंड डक, बुल एलिफेंट, काउ एलिफेंट, बुल एल्क, काउ एल्क, हॉग फेरेट, जिल फेरेट, बुल जिराफ, काउ जिराफ, गेंडर, गूज, टायरसल हॉक, हैन हॉक। इसी तरह से जैक कंगारू, जेनी कंगारू, बक माउस, डो माउस, बक रैबिट, डो रैबिट, बक रैट, डो रैट, सी स्टेलिन, सी मेयर, कॉब स्वैन, पैन स्वैन, स्टैग टर्की, हैन टर्की, बुल वेल, काउ वेल, स्टेलिन जेब्रा, मेयर जेब्रा। जैसे कि बेटा आपको पता है कि हमने फेमिनिन जेंडर बनाने के 10 रूल्स आसानी से समझ लिए हैं, इसके बाद में हम जेंडर से रिलेटेड जो कुछ एक्सरसाइज हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे ताकि आपकी हल्की फुल्की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो जैसा कि आपको ए पॉइंट में दिख रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट जेंडर, आपको ब्रैकेट में यहाँ पर दो टाइप के जेंडर दिए हुए होंगे और आपको इन दोनों जेंडर में से जो करेक्ट जेंडर है, जो कि सेंटेंस के हिसाब से सूटेबल है, उसको चुन के और आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, दैट इज द फादर ऑफ 4 डॉटर्स, कि वो 4 लड़कियों का पिता है। तो बताओ बेटा यहाँ पर ये मैस्कुलिन है ना, 4 लड़कियों का पिता, कौन, विडो या विडोवर, विडो तो क्या होता है विदुर, और विडोवर क्या होती है विधवा, तो यहाँ पर उपयुक्त जो शब्द है, जो जेंडर है, वो क्या आएगा, विडो, दैट विडो इज द फादर ऑफ 4 डॉटर्स, कि वो जो विदुर व्यक्ति है वो 4 लड़कियों का पिता है। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है, द इज पोइटेस एंड प्रिस्टेस, कौन कवयित्री और पुजारिन है, तो यहाँ पर होगा हीरोइन। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल है, द सेव्ड हर हस्बैंड फ्रॉम डेथ, उसने अपने पति को मृत्यु से बचाया, तो कौन अपने पति को बचाना चाहती है या चाहता है, चाहती है, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर आएगा वाइफ। इसी तरह से फोर्थ है, द कोर्ट पनिश्ड द एक्टर हु वॉज ए ट्रेटर और ट्रेट्रेस, तो यहाँ पर होगा बेटा ट्रेटर, क्योंकि यहाँ पर हम एक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर, तो मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम ट्रेटर का इस्तेमाल करेंगे। यदि एक्सरसाइज के बी पार्ट की बात करें, तो यहाँ पर आपको 5 सेंटेंसेस देखने को मिल जाएंगे, इनमें से कोई ना कोई भाग गलत रूप में लिखा हुआ है और आपको वही पार्ट छांट के और उसको सही ढंग से लिखने की कोशिश करनी है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, शी मेट अ विडो एंड हेल्प्ड हिम, वह एक विधवा से मिली और उसने उसकी सहायता की, तो बेटा यहाँ पर विडो के लिए हिम का यूज होगा या हर का, ऑब्वियस सी बात है बेटा यहाँ पर हर का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे सेकंड एग्जांपल की बात करें, तो यहाँ पे है, द शेपर्डेस टेक्स केयर फॉर हिज शीप, कि जो गड्राइन है ना, जो भेड़ बकरियों को चराने का काम करती है, वो अपनी भेड़ों की देखभाल करती है, तो यहाँ पर हिज की जगह किसका यूज होगा, हर का, इसलिए सेकंड सेंटेंस का जो फोर्थ पार्ट है वो गलत है, तो यहाँ पर हिज शीप की जगह हर शीप आएगा। अब बाकी जो बचे हुए 3 सेंटेंसेस हैं, उनमें क्या गलती है बेटा आप मुझे जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जेंडर की मीनिंग, इसके टाइप्स और हर टाइप्स की मीनिंग, इसी के साथ में फेमिनिन जेंडर कैसे बनाते हैं, उनके जो 10 रूल्स थे वो अच्छे तरह से समझ में आए होंगे।
यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसे जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें, तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।